वनस्तायिनोहु वनस्तायु हिरो अनुमेनु बहि वनतोकलु अले वनाउजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सैयाति आमालिना मै यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मै युद्लिल्हु फला हादिय ला व नाशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائلا ناش کالنا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ ذوالحج کا دوسرا جمعہ ہے اور وقت تقاضا ہے کہ میں جو گفتگو کرنی چاہنا بلا تاخیر، بلا تاخیر تو ہو گئی، بلا تمہید میں شروع کرنا، بلا تمہید اللہ تعالیٰ صحیح سے بیان دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم دی نالین پاک دا صدقہ صحیح صحیح اللہ تعالیٰ بیان کر کے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ظاہر کل عید الاضحیٰ دا دن ہے، کل جڑا دن آ رہا الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے اللہ نے سانوں پھر سعادت عطا فرمائی۔ تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاد امام الانبیاء روح کائنات جان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات جگ دے داتا مختار کل حاجت روا سید الانبیاء امام الانبیاء شافع روز جزا قائد المرسلین فخر المرسلین امام المرسلین سید المرسلین سیدہ زہرا پاک دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان جناب سیدنا و مرشدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرمایا مازاق دے واجد کاجل والے محبوبہ تسی فرما دیو، کل محبوب تسی فرما دیو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب تسی کہہ دیو مازاق دے کاجل والے محبوبہ، بے شک میرا ادھا پنجابی با محاورہ ترجمہ ہے، سونیا تو کہہ دے میرا سارا کچھ اللہ دی رضا واسطے، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، سب کچھ اللہ دی رضا واسطے، سونیا کہہ دے میری قربانی اللہ دی رضا واسطے، ہر چیز اللہ دی رضا واسطے، محبوب تسی آکھو ہر چیز اللہ دی رضا واسطے، سبحان اللہ کہہ لو، اللہ دی رضا واسطے،
मैं फिर रिपीट कर रहा, अल्लाह की रजा वास्ते, अल्लाह में खुश करने वास्ते, अल्लाह की रजा वास्ते। हुन मामले ने दो, एक है लिल्लाहियत और एक है तसन्नो। एक लिल्लाहियत है और एक है रियाकारी, बनावट, दिखलावा। दिखलावा, रियाकारी और लिल्लाहियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक जगह पे कह दिया कि जो लोग रियाकारी की इबादत करते हैं, हज हो, नमाज हो, रोज़ा हो, तस्बीह तहलील हो, कुर्बानी हो, कुछ भी हो, जो दिखलावे की करते हैं वो कबूल नहीं। तो जे इतने आ जाइए तो फिर तो मेरा ख्याल 95% जड़ा है लिया के जानवर आखना 70 पठिया के पैसे भी दसने ना, क्यों भी है बोलो तो सही। रक्षे का किराया भी नाल दसना भी इन्ना किराया बच्चे पै गए, पठिया के पैसे इन्ने दसने ने, जिन्हें रहना दसने जी। ये बनावट है, ये तसन्नो है, इसका लिल्लाहियत से कोई ताल्लुक नहीं। लिल्लाहियत, लिल्लाहियत क्या है? अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। और कुर्बानी जो है वो कुर्ब से है, हाय हाय, कुर्बानी कुर्ब तो है, अल्लाह के करीब होना। कुर्बानी को बकरे छतरे से छुरी फेरना नाम नहीं, अगर चो अमल जड़ा है तो हुक्म है करन दा, उदा इनकार भी नहीं, लेकिन कुर्बानी जड़ी है वो अल्लाह, कुर्बानी कुर्ब से है। और कुर्ब क्या है कि उसके नज़दीक होना, उसके नज़दीक होना, अल्लाह की कराबत के लिए, कुर्ब इलाही को हासिल करने के लिए कुर्बानी की जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह नु गोश्त नहीं चाहिए, ना रब को खून जाता है ना गोश्त जाता है। सारे मौलवी बयान कर देने, नाम लेने हर्ज नहीं, मैं कोई फिरका वारियत वाला बंदा नहीं, नाम लेने मसला समझान। वाबी दोबंदी शिया सुन्नी सब का इत इतफाक है भी रब दे कोल ना खून जाता है ना खलां जांदियां ने, ना कोई उदा जनाब गोश्त जाता है, ना कोई उदा कोई शायद कोई नहीं जाता नहीं। लेकिन क्या है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो नीयत का सवाब जो होता है वो अल्लाह की बारगाह में जाता है, जो उसकी नीयत होती है। यही तो ऐसे ही आने खत्म शरीफ पढ़ के नहीं समझ सके मसला, असं भी इन्हें मरूद रब को नहीं जाते, मालते तो मरूद साढ़े रब को नहीं जाते, वो नीयत विंद है। जिमें कुरबानी का गोश्त किसी गरीब को खवा दो अल्लाह की बारगाह कबूल हो जाता है, इसने खत्म वाली शायद किसी गरीब को खवा दो तो वह भी अल्लाह की बारगाह कबूल हो जाती है। वहां पे ये है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा, तो पढ़िया तो है ना उत्ते, फिर भी जे उत्ते पढ़ना ही ठीक नहीं है, मैं जिमना ना गई बात चलो कर उत्ते पढ़ना ही ठीक नहीं, तो फिर तो मेरे ख्याल अपने बुजुर्गों का काम करना चाहिए झटके वाला, झटका करके ओ मारी तौन ला के समझ आई। तो जे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उस पर पढ़ना है तो फिर क्या हर्ज है अगर अल्लाह की वहदानियत और तौहीद और अल्लाह की समदीयत को वक्ते ज़बा आकर बयान किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो जे सामने खाना रख के चार सूरत वध पढ़ लिए तो फिर भी शिरक वाली गल कोई नहीं। जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है वो हराम नहीं होता, बहस ये नहीं कि पढ़ना क्या चाहिए, बहस ये है कि अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। ये है फरमाया जो भी पढ़ लो या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो रोटी खान तो पहलो, पढ़ दो कि नहीं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है तो बाद विच भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, पहलो में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो आख्या पढ़ो, पढ़ के खाओ, तो इस तरह वक्त ज़बा, अल्लाह अकबर, वक्त ज़बा भी उत्थे उत्ते पढ़ना पैना है। कभी तुम वेख्या भी बंदा मौली साहब छुरी पढ़ी हो जड़ा वैडा जड़ा है वो एक मील दे तो उतों पढ़ लवे, नहीं समझ सके बात नहीं होएगा। क्यों? उसकी वजह है वो नहीं होएगा, उसकी वजह यह है कि फरमाए उत्ते पढ़ने जब वक्त ज़बा छुरी हाथ में हो और किबला की तरफ मुँह हो फिर पढ़े। वो जो कुर्बानी करने वाला होता है वो पढ़े खड़ा होके, कुल लिन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह जो कुर्बानी कर रहा हूँ तेरी रजा के लिए है।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਸਾਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਰੀਕਾ, ਆਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਦ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਅਧੂਲੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ ਸਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਿ ਯਾਸੂਲਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਖਾਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਹ ਮਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਬਾ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਜ਼ਿਲਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਿਓ? ਬੋਲੋ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਫਨੇਖਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ, 10, 11, 12? ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕੈਸਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 12 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 12 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਨਵਾਂ ਟਕਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ 12 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਤਵਜੋ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 14, 15 ਜਾਂ 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਖਸੂਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮਖਸੂਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਉਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਸ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਰਸ ਤਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈ, ਉਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੱਕਰੇ ਛੱਤਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਇਤਿਹਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ, ਅਜਵਾਜੇ ਰਸੂਲ, ਉਲਾਦੇ ਰਸੂਲ, ਸਭ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਤੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਲੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਨਵਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਈਂ।
ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਮਝ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹਾਏ 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 ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਜੋ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਫਰਮਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਹਾਏ 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 ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ 12,000 ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100-100 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੈਨ 100-100 ਤੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਏ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਚੌਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਪੈਸਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਆਸਫ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਹ ਬੋਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਮਾੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹਾਏ 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 ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਤ ਰੱਬ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਸਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੋ 12,000 ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸੈਯਦਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸੈਯਦੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਖਤੀਬ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਆ ਗਏ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਾਂ 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 ਕਿਹਦਾ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੇਚਣਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਬਰੀਲ ਅਸਲਮੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਔਰ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਛਮ ਛਮ ਨਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਤੜਪ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਏਗਾ
आपने फरमाया एक बार फिर ना लै। उन्हें कहा हूँ तेरे तो माल ही नहीं बचा तो तू देगा की? हूँ तो माल ही दे बैठे तो देगा की? आपने फरमाया तो एक बार ना तो लै तो माल की रखवाली वास्ते बंदा नहीं चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैनू मेरे रब के नाम से रख लै, मैं नौकरी करांगा अपने अल्लाह वाहदा हुला शरीक के वास्ते। सुभान अल्लाह। फरमा मैनू रख लै। जिस वक्त ये होया ना तो जबरील अमीन आख्या प्यारे खलील मैनू पछाणे नहीं, मैं जबरील हाँ, इंसानी शक्ल च आया सा। नाले जबरील आख्या तेनों ही अल्लाह का खलील होना चाहिए। हाय हाय, रब ने सही खलील बनाया है। तो मैं माल की करना है, गौर करना है। मैं माल की करना, जबरील आख्या ये माल अपना वापस लै लो, मैनू माल नहीं चाहिए। इस गल के पिछे बड़ी वड्डी गल होएगी। अगर साहिब अकल हों दावा देने लगा, मेहरबानी करना गौर ना सुनना, इस बात को जाया ना करना। मैनू माँ मैं की करना, मैं तो फरिश्ता, मैं सईदुल मलाइका, बड़ी इज्जत दी, मैनू नहीं चाहिए माल अपना वापस। आपने फरमाया तू जबरील अमीन, तू भी मेरी गल ध्यान ना सुन, तू भी ध्यान ना सुन, तेनू नहीं ना चाहिए। नखे नहीं, फरमाया मैनू भी नहीं चाहिए, क्योंकि जेड़ी शह मैं यार दी राह वही दीती मैं वापस नहीं करी ले। बोलिए जोर ना सुभान अल्लाह। जेड़ी शह दे दीती यार के नाम दे उत्ते फिर पिछे मुड़ मुड़ की वेखना है, फिर पिछे मुड़ के की वेखना है। खालके कायनात ने फरमाया प्यारे खलील जे माल नहीं ना चाहिए तो फिर इन कर ये माल गरीबां च वंड दे, या इनू जिहड़ा है इनू वेच के ते पैसे गरीबां च वंड दिओ, ते या फिर माल जिहड़ा है ये सारे गरीबां च तकसीम कर दिओ। ये सारियां भेड़ बकरियां जिन्हें सारे तकसीम कर दिओ। प्यारे इब्राहिम मैं तेरे नाल वादा करना जिहड़ा तू तकसीम करेगा ये क़यामत तक मुकेगा नहीं। लोग कुर्बानियां भी करते रहेंगे फिर भी खत्म नहीं होएगा। ये है जनाब इब्राहिम दा अमल ते अल्लाह वहदहु ला शरीक खुश हो क्या कहे जा खलील ये माल मुकेगा नहीं। हुण जिहड़े जानवर मुकदे नहीं ना ये इब्राहिम दे सलाम दी वजह है। बात ये कर रहे सा कि फिर सिला की मिले है रब्बाना वबअस फीहिम रसूला। उससे खलील फिर दुआ की थी मौला मेरी नस्ल चो रसूल पैदा कर जिहड़ा सारी कायनात दा इन कर लो पूरी कायनात दा मरकज़ो महवर हो जाए। रब्बाना वबअस फीहिम रसूला। इत्थे अलामा साहिब चिश्ती ने कलम उठाया, उन्हें आख्या खलीलुल्लाह दे ख्वाबां दी होई ताबीर अज पूरी। मिल के पढ़ लो तो फिर बड़ी स्वाद वाली गल, मिल के जरा कह लो खलीलुल्लाह देखा बांदी होई ताबीर अज पूरी। खलीलुल्लाह बंदा नहीं पढ़ता वो मैं ते सख्त बंदा नहीं, मैं ते बड़ा नरम दिल आदमी, मैं समझा कि भी वो क्यों नहीं पढ़ता। आंदा होवे तो पढ़ना चाहिए, ना हो तो फिर माफ़ी है, ना हो तो फिर माफ़ी है। कोई फर्ज वाजब नहीं पढ़ना मुझे ना तो जोर दी जड़ी है ना वो सब तो पहले खुदा ने पढ़ी है। नात खान का मकाम को छोटा नहीं, नात खान तो रब आप है। हाय हाय हाय, पहला यार था नात खान रब आप है। रब ने पढ़ी वाइजा खद अल्लाह मीसा कर नबी जी, नात नहीं मेरे नबी जी। तो इस वास्ते नात तुसी नात खान अगर बन जाओ तो बहुत बड़ा मकाम। दूसरी पहली नात रब ने पढ़ी, दूसरी नात मौला अली दे बाप ने पढ़ी। हाय हाय, इस गल से बहस नहीं करता ईमान या ना ईमान के उत्ते, इन गल आखांगा ओ कितना वड्डा ईमान वाला बंदा है जिहड़ा वो काम करता जिहड़ा खुदा ने किया होया। हाय 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 हाय, इस वास्ते पढ़ना चाहिए हजूर दे नाल। जवान मुंडे नूं बहुता पढ़ना, मिलके जरा पढ़ लो खलीलुल्लाह
ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਬੀਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਖਲੀਲੁਲ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਸ ਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਰੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਈਏ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ ਇਹ ਕਮਲ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਸੌਖੀਆਂ ਮੌਲਵੀਓ ਫਤਰਾਨੇ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਯਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਯਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਟੋਪੀ ਮੌਲਵੀਅਤ ਇਲਮ ਹਿਲਮ ਮਿੰਬਰ ਸਯਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਸਲ ਮੈਂ ਨਸਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਮਰੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨਮਰੂਦ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਏ ਸਬਾਤ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਦੇ ਪਾਏ ਸਬਾਤ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਗਈ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹੂਰੋ ਗਿਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਏ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਆਹਦ ਏ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜੋ ਹੂਰੋ ਗਿਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇਰਾ ਖਲੀਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਖਲੀਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਖਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਖਲੀਲ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਖਲੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਲ ਜਾਓਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਹਾਜਤਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਵੀ ਆਏ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬਰੀਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ
जबरील खुदा है? नहीं, माज़ अल्लाह जबरील खुदा तो नहीं, ना खुदा जबरील है। तो जाके की आख्या है, कोई हाजत है तो दस मैं पूरी करांगा, हाजत है तो दस मैं मुश्किल कुशाई करांगा, पूरी करांगा। हज़ारा जबरील भी होन, हज़ारा जबरील भी होन, मेरे नबी दे हुसन दी ज़कात भी मिलेगी। वो जी उन्होंने अल्लाह ने कलाया सी। मैं कहा सी भाई जी लड़ाई क्यों करते हो, क्यों गल पैंदा सी? ते यही आने ना यार, रब मुश्किल कुशा बना के जरा अल्लाह जबरील अमीन नू भेज सकता है, अपने यार नू भी मुश्किल कुशा बना सकता है। ये तो कोई इम्पोसिबल नहीं, नामुमकिन तो नहीं ना भी जरा रब जबरील अमीन नू मुश्किल कुशा हाजत रहा बना सकता, आज तक पूरियां करता पाया। पूछे आके हाजत बताओ वक्त के मुफ्ती और काजी हो, क्या फतवा है? जबरील तो खुदा नहीं तो क्यों कहा मैं तुम्हारा हाजत रवा हूं, हाजत पूरी करूंगा? इसलिए कि हजरत सैयदना जबरील अमीन अली सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी थी। अल्लाह जिसको ताकत दे, अल्लाह की अता की हुई ताकत से वो हाजत रवा होता है, जैसे हजूर मौला अली असहाब रसूल औलाद रसूल दाता साहब ख्वाजा साहब मेरे मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह और जनाब फिर मोइन अल मिल्लत फिर फरीदुद्दीन हैं फिर गोल्डे दा ताजदार फिर पीर सयाल फिर पीर पठान कोई शेरे रबानी कोई ये सारे उन्हां दी अता नाल हाजत रवा ने। असीं कदी किसे पीर नूं नहीं आखिया भी तू साडा रब है, जो ये आख्या तो बेईमान है। पीर तो खुदा नहीं ना, बोलो तो सही, लेकिन खुदा दी दित्ती ताकत नाल जे आखो ते छोटी जी बात है जिबदन पेश कर लीए। शाहे नक्शबंद बुखारी आप दी एक मुरीदनी सी ते बादशाह दे महल दे अंदर वो कम कर दी सी, बादशाह दी मलका दा हार चोरी हो गया, उन्हें आख्या इन्हें कीता है, इन्हें आख्या इन्हें कीता है। उन्हें आख्या अच्छा बुलाया, उन्हें आख्या मेरी गल सुनो बादशाह मेरी गल, उन्हें आख्या मैं सुनया तू हार चोरी, उन्हें गल सुन असीं आ पीरां वाले समझे नहीं, असीं आ पीरां वाले ते पीरां वाले चोरियां नहीं करते, जिदा को पीर उस्ताद हो चोरों ने कम नहीं करता। मैं कह मर सक नहीं हाँ चोरी वाला काम नहीं करते, मैं मुर्शद वाली हाँ। उन्हें आख्या नहीं, जलाद नूं आख्या इहनूं सत्तवीं मंजिल ते ले जा के सुट दिओ बाहर, इहदी जान चली जाए। जिसले वो गिरान लगा उन्हें आख्या खलो जा ठहर जा रख, हुकूमतां दे असूल ने जदों किसी नूं सजाए मौत दई उहदी आखिरी ख्वाहिश पुछी दी। उन्हें आख्या दस कर तेरी की ख्वाहिश? उन्हें आख्या खलो जाओ मैं अपने पीर नूं आवाज़ मार लवां, अपने मुर्शिद नूं आवाज़ मार लवा, अपने पीरां नूं आवाज़ मार लवा, मुंह बुखारे वल कर लिया, हजूर मेरी मदद करो। बस इन्नी गल की थी, दो नफल पड़े, जल्लाद ने गिरा दिता जमीन ते मुसलमान भाइयों थोड़ी देर गुजरी अख खोली उहदा सिर अपने मुर्शिद की झोली के अंदर है। ते फर्क किन्ना है, कई सौ मील का फासला है, अखां खोलियां मुसलमान भाइयो, मर नहीं दित्ती अखां खोलियां, वेख्या मेरे मुर्शिद ने, हजूर तुसी कदों चले सो? फिर मैं सिर्फ इन्ना ही फर्क पिया है, तू चबारियों चल पी से मैं बुखारियों चल पिया। जे वली दी इन्नी ताकत है, जे वली दी इन्नी ताकत इमामुल अंबिया दा की मकाम होए। किसे पुछे प्यारे जबरील कदी जिंदगी च कोई मकाम ऐसा होवे जिथे बहुत ज्यादा जल्दी नाल आना पिया होवे? फरमाए हाँ मकाम है नहीं जहां केड़े, फरमाए एक जो यूसुफ खूह विच डिगे, रब आख्या वेखी मेरे यूसुफ दे कपड़े भी गिले ना होण, मैं आके अपने थले पर छा दिते। दूसरा अल्लाह अकबर, फरमाए फिर जिस वेले जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम अगवे जान लगे, फरमाए मैं फटाफट। तीसरा आपने फरमाया जदों जनाब इस्माइल दे गले ते छुरी रखी, रब आख्या या जबरील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया किथे? मौला अरशां दे, फरमाया जल्दी कर छुरी रखी गई है, जन्नत विच जा फटाफट दुंबा ले जा, जबीर नूं कट इस्माइल नूं कट दुंबा लटा। किथे जन्नत ते छुरी रखी, ये अकल च नहीं आने वाली गल है। कुदरत है, कुदरत है, कुदरत है, और कुदरत का इनकार करना जहलीयत है, इहदा मौजूद का इनकार करामत का इनकार करना जहलीयत है। जिहड़ा कोई आखे लो जी मैं नहीं कर सकता, आप कोई अल्लाह ही कर सकता है, जाहिल आदमी नूं पता ही नहीं कुरान, ना मौजूद का पता है, ना करामत का पता है, ना कुदरत का पता है।
वो फेल अगर रब को होवे तो कुदरत है, नबी को होवे तो मौजजा है, वली को होवे तो करामत है, फेल काम एक ही अमल एक ही है। तो इस तरह गौर करना जरा। पर मैं फटाफट लैके आ गया किथे जन्नत ते किथे मक्का शरीफ की पहाड़ी। फरमाया मैं अख चमकन तो पहले छुरी चलन नहीं दीती। फरमाया मैं दुम्बा लैके आ गया ते जेड़ा जबरील कमली वाले फरमाए मेरे दो वजीर आसमान ते ने दो वजीर जमीन दे उते। या रसूल आसमाना वाले केड़े केड़े? फरमाया जिब्राइल मीकाईल। हजूर जमीन वाले? फरमाया सदीक को फारूक। अबू बकर सदीक मेरा वजीर है, फारूक आजम मेरा वजीर है। ते जीते वजीर दा एक कमाल है, बादशाह दा की कमाल होगा। ये मुसलमान हकीकत है लोगों, लड़ाई ना करो, कुरान पढ़ो, सही सही कुरान पढ़ो, लोगों को मिसगाइड ना करो मिंबर पे बैठ के। ये हकायक ने फरमाया प्यारे, जो फरमाया प्यारे इब्राहिम को दसो गल कोई हाजत होवे ते मैं पूरी करांगा। जनाब इब्राहिम मुस्कुरा के फरमाए जानता है वो मेरा रब्बे जली में पढ़ता है अब उसका खली। मेरा रब जानता है। फिर मैं परवाह ही नहीं, मैं किसी की मदद की लोड़ ही नहीं। अज डायरेक्ट मामला है, तुहाड़ी लोड़ नहीं किसी की। उन्हें आख्या इब्राहिम, लोग आख्या जल जाओगे। फिर मैं पता लग जाएगा, अज पता लग जाएगा जेडे ओदे वाले होंगे ने, अग भी हो सड़ते नहीं, वो एवें दावे नहीं करते। अग भी हो जलते नहीं, तलक ओद नाल होवे। अल्लाह उन्हें आख्या फिर खलील इब्राहिम, फिर मैं कोई हाजत नहीं। फिर क्यों दे पिया मुसलमान बाई अग दे छोले आसमान नाल गल करते पे ने। तो इकबाल बोलिया डॉक्टर इकबाल मुसव्वरे पाकिस्तान, मुसव्वरे पाकिस्तान जेडे तुसी पाकिस्तानी हो ना, पाकिस्तान च वसदे आप, इकबाल की कबर नूं दुआवां दिओ। तो इकबाल है पता कौन है जिन्हें ता तेनों मैं बस सुख का साह लिया कोठियों च बैठे हैं, मसीतां मदरसा मौली बैठे चौड़े होके, इकबाल की वजह तो है। इकबाल ने ख्वाब वेख्या से पाकिस्तान और ताबीर कायदे आजम मुहम्मद अली जना और मशाइख उलामा साहब ने इकट्ठे होकर फिर ये इकबाल का ख्वाब है। तो इकबाल कौन है? जरा सैयदा जहरा का नौकर है। ते तो मुलक जहरा पाक के नौकर की खिरात मिले हो बोलो सारे ठेकेदार बने हो मुलक दे ते मुलक मिले इकबाल की ख्वाब तो इकबाल हो जरा आंदा मैं जहरा की कबर का तवाफ करना चाहना। जरा कहें मैं शरीयत आड़े ना आवे तो मैं जहरा की कबर से सजदा कर दे। इकबाल को टाइबर ले मसीह मौलवी का ना नहीं, इकबाल बहुत बड़े फलसफी ते मंतकी ते मुहक्किक ते मुफक्कर का ना है। फिर इस पास गए तो लंबी हो जाएगी बात। इकबाल आंदा है पे जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम अग अंदर आए बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अद्धे बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, कई बंदे नाराज दे विचों भी यार मेहरबानी, कई बंदे गुस्से ना मेरे वेखने के उस पे सानू नहीं पढ़ना आता तू क्यों पढ़ाना है, जिन्हों आता वो पढ़ लो मिल के पढ़ लो। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद इश्क अकल है महावे तमाशाए लबे बामे अभी। अकल सोचती रह गई, अकल आ गई, अकल आंदी इब्राहिम छाला मारी जल जाएगा। इश्क आंदा है ध्यान कर जिदे नाल लाइया ने सड़न नहीं देंदा। बल्कि रवायात विच ये भी है जबरील अलैहिस्सलाम ने जो पूछा ना कोई हाजत, हाजत आपने पंजाबी तर्जमा आपने जबरीलों बहुत फड़ लिया, मैं विखा किताबा बहुत फड़ लिया। फिर मैं मेरे नाल चल उन्होंने ना जो ना थोड़ा ही काम है, मैं विखा किताबा। फिर मैं जे तेन बहुत तेने शौक मेरे नाल चल। फिर सही तरह जबरील अमीन अली इस्लाम खतीब बैतुल मामूर
सईद उल मलाइका खतीब बैतुल आप रवाना कर नहीं थोड़ा काम माजरत ना गल करेंगे जबरीली अमीन की शान को कम करने वाला मुसलमान नहीं होता, वो सईद उल मलाइका हैं। लेकिन जबरील को पता था, जबरील को पता सी औखे काम इन्हें नहीं करने ने। हाय 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 हाय। और इसलिए अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों से बेहतर बनाया है। अगर वो इंसान हुए तो फिर इंसान हुए तो फिर खुदा दी कसम इतने तो फरिश्ते तो उधर उन्होंने पता नहीं इस प्रोसेस का। इस दुनिया के उत्ते रह के अगर अपने आप को कुंज के रखे तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो जिस वक्त आपने होना कहनी जी थोड़े काम है खाल के कायनात ने फरमाया ए जबरील अग नू मेरा पैगाम दे दे, जलाना नहीं वाल भी ना सड़े, कुलना या नारो कोनी बर्दम सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम के सलामती वाली हो जा। मुसलमान भाइयों जल्दी ते आगे खलील नू सर्दी लग रही है, बागात बने हुए ने मुसलमानों अंदरों बागात बने हुए ने। मैं फिर मैं क्या मसला समझ में आ गया, जरा अल्लाह की रजा वास्ते जावे मुसलमान भाई वो अग अंदर जाते पे ने, वो अग होवे या कोई होर इम्तहान होवे या वादिए ताइफ होवे। मुसलमान भाइयों हजूर वास्ते रब वास्ते जान वाला भावें वादिए ताइफ होवे, भावें मक्का होवे, भावें मदीना होवे, ते भावें करबला होवे, उन्हां दा वाल विंगा नहीं हो सकता, ना नाम ही खत्म हो सकता है। फिर जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। अगे फरमाए माजाक दे काजल वाले महबूबा तुसी फरमाओ मेरा जीना मरना मेरी मौत मेरी नमाज रोजा हज ज़कात तस्बीह तहरील सब कुछ अल्लाह की रजा वास्ते। फिर मुसलमान भाइयों इधर क्यों दे पिया जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम सुते हो, वाकयात बड़े सुने तुसी, मैं मेडिकल पेश करना चाहना। सुते ने ख्वाब आया इब्राहिम कुर्बानी करो, 100 बकरियां ज़बह कर दीतियां। अगले दिन फिर ख्वाब आ गए इब्राहिम कुर्बानी करो, फिर मैं 100 ऊंट पहाड़ से लै गए। अकबर से पता लग गया भी मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। फिर मुसलमान तीसरे दिन फिर ख्वाब आंदा पिया ते ख्वाब की है ए प्यारे इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी करो, पुत्र की कुर्बानी करो। आप दे पाए सबात लगजिश नहीं आई, आखे मौला जिमें तू राजी उस तरह ही मैं राजी, अगों पुत्र भी तो इब्राहिम दा सी। हाय 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 जे नतीजे तो मैं लैके जा रहा आहिस्ता आहिस्ता नतीजे ते नतीजा कटांगा इस बात का लुत्फ आ जाएगा। तुम जनाब इस्माइल नू अब्बा अपने ख्वाब सुनाए है, आखे बाप ए मेरे प्यारे बेटा खालके कायनात ने इस तरह फरमाया है। इस्माइल नू पता है मेरा बाप नबी है, नबिया नू कदी झूठे ख्वाब नहीं आए, कदी गलत झूठा ख्वाब नहीं आया। आखे बाबा जी फिक्र ना करो, अल्लाह ने अगर हुक्म किया है तुसी तमील करो, मैनू साबरीन विचों पाओगे, मैं नशा गानी बाबा जान मैं साबरीन विचों पाओगे। मुसलमान भाइयों कुर्बानी की है कुरब दे विचों है। जनाबे हाजरा नू की आखे मेरे पुत्र नू तैयार कर दे, असी कुरब दे वास्ते जा रहे हैं। हाय 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 हाँ हाँ कुरब यानी यार नू मिलन जा रहे हैं, एक यार दी दावत ते जाना है। सुभान अल्लाह कह लो ख्वाब आइए नू ज़बा करो आंदने यार दी दावत जाना। हाय हाय यार दी दावत उत्ते जाना है, बना सवार के पुत्र लैके टुर पे। किताबां च मौजूद है कि तिना थावां ते शैतान ने हमले किए, ये बड़ा पैड़ा है। तिना थावां ते शैतान ने बोलो तो सही हमले किए, ना जाई ना जाई पुत्र है, कभी मां नूं आखे लै तेरा पुत्र लै चला है ये जबा कर देगा। फिर जनाबे खलील नूं वो त्रैमा था जिथे जिथे उन्हें शैतानी की अज उत्थे जुतियां पै रही ने बोलो तो सही जेड़ी जेड़ी थां ते शैतान ने शैतानी की अज लोग उत्थे जुतियां मार रहे ने, पर तेनूं कई लोड़ सी करन दी बोलो तो सही। उन्हें समझिया सी कि मैं हाँ, उन्हें ये पता नहीं सी ये उन्हें समझा भी मैं वो क्यों कास है जिते जिते शैतानी की थी। असी एक दूसरी बार जो गए ना तो सानू बंदा ड्राइवर से उन्हें विखाए सारे जड़िया ज्यारत करवा करो उत्थे भी लाया, असी वेख्या तो उत्थे जुतियां भी पईयां
पैर लत्थे मुख्तलिफ रंग दी जुत्तियाँ, एक बूहा टुटा। मैं आख्या भी ये तो कोई बंदा सिर फिर गया सी। उन्हें आख्या भी रोड़े छोड़े की मारे जुत्तियाँ मारो इस कंजर नूं। ते बंदा जुत्तियाँ खाने काम ही ना करे। क्यों जी बोलो तो सही 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 काम करे, भैड़े काम दफा करे, परे सही सही काम करे। बंदे के पुत्रां ने काम कर जरूर लिता हूँ, क्यामत तक रोड़े वजने ने, उन्होंने वजने ने, ये हकीकत वजने ने, क्यामत तक रोड़े वजने ने, माफ़ी नहीं मिलनी क्यामत तक। उत्थे भी सत सत कैंकर चुके हाजी मार देने इकट्ठे करके, कल हज गुजरिया है अलहमदुल्ला लोगों ने हज किया है। तो इस तरह वो फिर बड़ी लंबी बात चलदे चल, जिसले पुत्रा अल्लाह की रजा वास्ते उन्हें आख्या अबा जी इंज करो, आप मेरे हाथ पैर बन लवो, अपनी अखां ते पट्टी बन लवो, रिजल्ट वाले पासे आउण लगा, अखां ते पट्टी बन लो बाबा जान। जे इस वास्ते तुसीं छुरी चलाओगे ते जे मैं तड़पिया ते मेरे खून ना तुहाडे कपड़े ना खराब हो जाए। ये फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। इंज हुंदे ने पुत्तर, आंदे मुंडियो ध्यान करो, इंज प्यों दा हया करो। जिहड़ा अपने बाप दा हया नहीं करदा कदी कामयाब जिंदगी च नहीं हो सकदा। मैंने उन्होंने गल की, मियाँ समीला साहब परसों के चौथ, बड़ा मैं मज़ा आया गल का, बड़ा मज़ा आया। कहते मैं ये अंदर मैं जानवर बेचन जा रहा सा, तो मेरे अब्बा जी ने मैं दुआ दी, यही गल हुई। कहते मेरे अब्बा जी ने मैं दुआ दी, पुत्र सारे विक जाएंगे, तो कहते मैं पता हूँ मैं वही दुआ मिल गई है। ये होती है बात, जो अपने वालदेन का फर्मा बरदार होता है, खुदा की कसम उठा के एकदम कभी जलील नहीं हो सकता। जरा माँ का गुस्ताख प्यो का गुस्ताख हो जाए, भावें कि क्वालिफाइड आदमी हो। चार दिन पहले मीडिया से खबर चली कि एक पुत्र ने माँ को मारिया पिंडी के इलाके, सादकाबाद माँ को मारिया है, और बड़ा भैड़ा काम किया उन्हें, बड़ा मकरू काम किया है, बड़ा भैड़ा काम किया, गुनाह है ना, वो गुनाह है कि नहीं बोलो तुम। थोड़ी जी अगर इजाजत दो तो गल कर लवा मैं, मारिया क्यों? हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आप दे दौर दा वाकिया है। एक बुरड़ी जी माई ते बुरड़ा जा बाबा, वो काजी दे कोल आ गया अदालत च, उन्हें कही साडा पुत्र ने सानू मारिया कुटिया है। हाँ जनाब उमर फारूक कोल आ गया, आपने फरमाया बुलाओ जरा। जिसले आ गए आपने फरमाया तू मारिया? अंदर जी मारिया। फरमाया क्यों मारिया? उन्हें आख्या जी क्यों मार, क्यों का की मतलब है? मैं जानवर चराउना वा, बकरियां भेडा चलाने वास्ते जाना, जो आप लड़ पैन मैं एक सोटी उन्होंने मारना, एक उन्होंने मार, दो हट जाते हैं। आपने तक के फरमाया उस माई तो बुरड़े ने आख्या भी इन दीन नहीं पढ़ाया। हाय 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 बोली बोली जरा, इतने बोली जरा, इन दीन नहीं पढ़ाया, इन कुरान नहीं पढ़ाया, इन दीने रसूल नहीं दसिया? उन्हें आख्या नहीं हजूर। फरमाया इस वास्ते थोड़ा गुस्ताख है, मैं कहना किनिया डिग्रियां भी हासिल कर लो, तुम वकील बन जाओ तुम्हें सलाम है, डॉक्टर बन जाओ तुम्हें सलाम है, ये जो कुछ वालदैन का अदबो एहतराम है, ये जो दसिया दीने मुस्तफा ने दसिया है, अंग्रेजा नहीं दसिया, जो दसा मगर पर लोगों नहीं दसिया, उन्होंने औरत का एहतराम तो प्यो का हया ही नहीं किया, ये जदों दसिया अल्लाह के कुरान दसिया, मेरे मुस्तफा के फरमान ने दसिया है। औलाद नेक चाहते हो तो कुरान पढ़ाओ, हदीसे रसूल पढ़ाओ, दीने रसूल सिखाओ, सीरत मुस्तफा का मुतालिया कराओ, फिर पता लगेगा। जो सारी तालीम दिलवाई बच्चा फिर अपनी माँ के पैरों डिग पाया, उन्हें कहा मैंने पता ही होने लगा मेरी माँ का की मकाम है, बाप का की मकाम है। इधर आख्या जना बाबा जान रस्सी बन लवो, मैं तुहाडे कपड़े ना खराब कर दवा, कर अखां ते पट्टी बन लवो, क्यों? शफकत पिदरी जोश ना मार जाए, बाप की शफकत ते पुत्र जे मुहब्बत जड़ी है, शफकत पिदरी गालब ना आ जाए। खलील ने अखां ते पट्टी बन ली, पुत्र नूं रस्सियां बन लईयां, अकल आ गई। खलील इको एक पुत्र है बुरड़े बारे मिले है, पिछले पैर मिले है तो हूँ तो अगो तुको नहीं, पिछले पैर मिले तो जिंदगी का सहारा है, अकल आ गई। इश्कां दा कोई गल नहीं, वेख हुक्म किदा है, हुक्म वेख ला किदा है, परवाह ना कर इस गल दी, मुसलमानों इश्क गालब आ गया। जिसने छुरी रखी किताबों च मौजूद है, 70 मरतबा छुरी नूं चलाया, 70 मरतबा वो छुरी पत्थर ते मारी, पत्थर रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। फरमाया छुरी ये चलदी क्यों नहीं, छुरी ये चलदी क्यों नहीं?
छुरी कहती है मौला जुबान दमे तेरे खलील नाल गल कर लवा। जुबान हाल जमोल के आंदी खलील तुसी आखो चल तुसी आंदे हो चल, वह आंदा ना चली। रिजल्ट पेश कर लगा, मैं क्या रिजल्ट पेश कर लगा, छुरी ना चलनी ना चली छुरी लू भी ना कटिया जाए, क्यों ए मथे के अंदर मेरा महबूब तशरीफ फरमा। छुरी ना चली, इधर चली भी नहीं, इधर चली भी नहीं, चली नहीं, लू भी ना कटिया जाए, चली ना छुरीए, इदी पुश्त विच मेरा महबूब है। ये है तहफ़ज़े नमूसे रिसालत, तहफ़ज़े नमूसे मुस्तफ़ा सल्ला सल्लम। छुरीए चली ना, इदी पुश्त विच मेरे यार दा नूर है, मेरा महबूब इदी पुश्त विच है, इस वादे चली ना। जिथे चली भी नहीं, जिदा लू भी नहीं कटिया, जिदे सीने च गोश दा दिल, उन्हूं दावा देन लगा मैं, उन्हूं दावा दे। सिर्फ सारे तुसी बड़े अच्छे लोग, मेरे नाम सारे नेक हो, गौर करना जरा। जिदे ते जिथे लू भी नहीं कटिया गया, उहदे तीन तीन दिन मनाउंदे हो। हाय, जिथे लू भी नहीं कटिया गया, वो तीन दिन मनाउंदे हो। भावें किसी मसलक का बंदा हो मुसलमान, उत्थे इंज कर दियो जी, अज भी ईद, कल भी कुरबानी, परसों भी कुरबानी, उत्थे तीन तीन दिन मनाउंदे हो। जिथे लू भी नहीं कटिया गया, वो तीन दिन मनाउंदे हो। जिदा सारा खानदान कटिया हो, उस दस मुहर्रम मनाउण लगे कि मौत पै जाती है। हाय 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 हाय, याद रखो हुसैन नस्ले इस्माइल है। इतने जिस मौलवी के चार मुंडे नारे मारते दिमाग खराब हो जाता है, वह अपना मजहब वखरा कर लेंगे ने। जो मौलवी आंदा जो उस्ताद वो दीन बना लेंगे ने। तीन दिन सर इतने रौला है, खल लभदियां ने ना, खलां दा करके तीन दिन मनाउंदे हो। ते जिदा सारा कुनबा कटिया गया हो, उस मुस्तफा दे पुत्र दा दिन भी कदी मना लिया कर। उत्थे आंदे जी ए जी शियां दे दिन ने, शर्म नहीं तैनूं आउंदी, हया नहीं तेरे लागो नंगिया। ये दस मौला हुसैन दा दिन आ जाए तो फिर हाँ जी ए जी उन्हां दे असी ते असी ते असी ते असी ते सिर्फ यारहवीं वाले हैं। तेनूं किन्ने आख्या तू यारहवीं वाला वा, यारहवीं वाला सिर्फ वो ही है जो गुलामी हुसैन है। मेरे गौसल वरा, मेरे मीरा मुहैयद्दीन अब्दुल कादर जिलानी सरकार, कदमी हाजे ही अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह दी शान दे मालक, सिर्फ ओदे ते खुश ने जिदे ते हुसैन खुश है। यारहवीं दी देख ला के गौस पाक दे एहसान ना चढ़ाओ, चंदे इकट्ठे कर यारहवीं ने खत्म धोना, एहसान ना कर। गौस पाक का बड़ा वड्डा बंदा सी, दुनिया के दो ही तो बंदे जिन्हें सब तो महंगा लिबास पाया है, महंगा फाखराना लिबास, महंगे कपड़े पाए। एक का नाम गौसे आजम है, एक का नाम इमाम आजम है। काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा सैयद आयमा हजरत नुमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, महंगे कपड़े पाए। किसी आख्या हजूर रात को बोरी का लिबास पा लेना, आए हाय हाय टाट का बोरी का लिबास पा के सजदे सिर रखना, आखना मौला तू तो जानना है ना सा, मैं गुनाहगार आदमी हाँ। किसी आख्या जी कपड़े महंगे, फिर मैं ता पाना कोई चौधरी ये ना समझे फकीर को पैसा ही नहीं होंगे। आए हाय हाय, फिर मैं कोई ये ना समझे कि फकीर कंगाल होंगे। और यही मेरे गौसुल वरा सैयदी गौसुल आलमीन का तरीका था। अगर सैयदा सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह दाता साहब खाजा साहब हया कर लिया तो जहरा दे पुत्र होने की वजह ना, हसरी हुसैनी सैयद ने आप पोते नु मन के ते दादी की तोहीन करे, तेनू किने आख्या पोता तेरे ते खुश हो जाएगा। वे
ਉਹ ਦੇਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਖੁਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸੁੰਨੀ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਲੀਲ ਉਹ ਜ਼ਬੀ ਕਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਔਰ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਏ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਰੀਖ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆਲਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਖਾਓ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜ਼ਵਾਜ ਰਸੂਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪੂਰੀ 'ਚ ਵਿਖਾਓ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ ਗਏ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਜ਼ਾ ਗੂੰਜੇ, ਬਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਤਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਾ ਅਦੀਬ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਰੇਤ ਪਰ। ਕਹਿ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ, ਹਾਂ ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਾ ਅਦੀਬ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਰੇਤ ਪਰ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਕੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਬਤਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੰਤਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਉਸ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਕੀਏ, ਇੱਕੀ ਕੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਦੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਰੇਤ ਪਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਲੁਟਾਈਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਲੁਟਾਈਏ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਨਿਸਾਬ ਰੇਤ ਪਰ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਣ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹਰ
अहले सुन्नत से कहूँगा कि जब गाय ज़बह करते हो, जब कोई और जानवर कुर्बानी के लिए लेटाते हो, तो जब उसको पानी पिलाते हो, तो कभी एक लम्हे के लिए कर्बला में भी चले जाए करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गली चो लंगरे मदीना शरीफ, एक कसाई बकरी ज़बह कर लगा। इमाम साहब दी चीखा निकल गई वेख के। आप दे पुत्र मोहम्मद बाकर नाल सन, बाबा जी की गल है? फरमाया पुत्रा, ये बकरी ज़बह कर लगे, इन्हें पानी पिला लिया है। मेरे ते अकबर नूं किसी ने पूछे भी नहीं सी। मैं अपना अकीदा पेश कर रहा, जो वक्त ज़बह जो कुरबानी होने लगे, कोल खलो के सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहि सलाम दी बारगाह जो पेश करें, तो कितने उत्थे खलो के हुसैन का नाम ही लै छड़िया। बरकत हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, अफजल हो जाएगी बहुत ही। उत्थे कितने खलो के ये भी कह मौला है सारा, अल्लाह तौफीक दवे, अल्लाह तौफीक दवे, तो कभी ज़हरा पाक दे नाम दी कुरबानी भी करके वे, अल्लाह तौफीक दवे, तेनू पैसे दवे अल्लाह, तो कभी करबला वाले दे नाम दी कुरबानी हो ही है। सुन्नत इब्राहीम अलैहि सलाम कुरबानी हुई है, कभी मंसूब कर दे करबला दे शहीदां दे नाम, फिर वेख तेरे घर च रिज़क दी फरावानी होंदी। कल बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा। मैं अज़रा है मेहरबानी, अज़रा है मोहब्बत, अज़रा है प्यार, अज़रा है पाकिस्तानी, एज़ ए पाकिस्तानी मैं अपील करांगा, चूँकि आप सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन अलहम्दुलिल्लाह, तुसी बड़ा तावन किया है गौरमेंट नाल जड़े इस करोना के मामले, कल भी तुसी अज़रा है मोहब्बत तावन करके एस ओ पी का ध्यान रख के जफियाँ ना पाना, एलीगेशन यही है ना भी जफियाँ पहन के ना पाना। ईद मुबारक उदे कह के सारियां नूं ते एस ओ पी का ख्याल करके, अपने मास्क लैके, ये सारिया एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके तुसी ये दसना है कि असीं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, क्यों जी ठीक होएगा ना इंशाल्लाह। जिथे ईद पढ़ने वास्ते जाओ इतने आओ बिल्कुल आराम नाल, तो फिर दूसरा ईद दूरों ईद मुबारक है कि दिन गुजार लो, फिर अगे अल्लाह हज़ारा ईदा अता फरमाए, फिर इंशाल्लाह जफियां भी पैनियाँ तो सारे मुसलमान आपस मिलने, दिल ना दूर करना, दिल दूर ना करना, उंज फासले ते रह के ये वक्त गुजार के नमाज पढ़ के अपना वक्त गुजारो, कुरबानी दे उत्ते गरीब मस्कीन लोगों का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल। असल फलसफा कुरबानी का ये कि गरीबों जड़ा है तकसीम करना, उस तो बाद दारुल उलूम साडा